लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में बुद्धि विहार में राम कथा के सप्तम दिवस पर कथा के प्रारंभ में परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी ने कहा कि पत्थर से भगवान की मूर्ति तैयार करनी होती है तो मूर्ति को पत्थर में डाला नहीं जाता है, पत्थर में वह मूर्ति होती है परंतु ढकी हुई उसको प्रकट किया जाता है। वह शिल्पकार क्या करता है, हाथ में हथौड़ा और छेनी लेकर कुशलता पूर्वक पत्थर के फालतू हिस्से को हटाता है और मूर्ति प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सद्गुरु क्या करते हैं, उस आवरण को हटाते हैं जो शिष्य के ऊपर जो अंधकार के रूप में होता है। गुरु शब्द का अर्थ है, गु का अर्थ है अज्ञान और रू का अर्थ है अंधकार का नाश। गुरु शिष्य के अज्ञान के अंधकार को हटाता है इसलिए गुरु कहलाता है। आरती में विनित कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं रामकथा अमृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार कोषा अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल रहे। आज के मुख्य अतिथि रहे ओम प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य कृष्ण बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नारायण कुमार लोहिया सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, विजय गुप्ता अटूस एक्सपोर्ट, मानीराम जी RRS, विशेष गुप्ता पूर्व बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष। मंच का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी और रितु नारंग जी के द्वारा किया गया। कथा में उपस्थित रहे श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयन तारक गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकर्षक लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, विवेक शर्मा, अजय नारंग, शुभम भारद्वाज, ज्ञानेंद्र शर्मा, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, विनोद राय, परीश सक्सेना, राकेश गुप्ता, श्याम सुंदर गौड़, सचिन गुप्ता, विनित गुप्ता, राकेश अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, विपिन कुमार, सुमित शर्मा, हरिगोपाल शर्मा, शशि अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। अव्यय अविनाशी इटर्नल उससे जो संबंधित है वो मूल है, उससे संबंधित जो है वो मौलिक। तो परम सत्य से संबंधित जो है, ईश्वर से संबंधित जो है, वेद से संबंधित जो है वही मौलिक। इसलिए अपने अहम को तो हटाओ कि मैं कह रहा हूं, ये मेरी मौलिक रचना है, मेरी मौलिक। हाँ एक अर्थ में ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए मौलिक वही है जो परम सत्य से संबंधित हो, वेद से संबंधित हो, क्योंकि वेद ही मूल है, परमात्मा ही मूल है। हम क्या चर्चा कर रहे हैं, विश्वास बोले और श्रद्धा सुने, और श्रद्धा ऋतुमति होए, मतलब श्रद्धा जब जिज्ञासा करे। जब पार्वती के रूप में पार्वती ने जिज्ञासा करी, जो नृतनय सुब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी, ये जिज्ञासा श्रद्धा का ऋतुकाल है। और तब जिज्ञासा से जब प्रश्न करे साधक, ऐसे समर्थ गुरु से, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानिनः का अर्थ करेंगे वेद शास्त्र परंपरा के अनुसार,